आज मैं अवतार का सारा काम कराने वाला हूँ जिया से। गाइस अपना बेसन हो गया है रेडी। ये देखो गाइस कितना अच्छा बना है। अब ट्राई करते हैं जिया के हाथ की बनी हुई भजिया। नमक तो बराबर है। ओ भाई चाय, जहर तो नहीं मिला है चाय में? सही में जहर मिला दिया क्या? चाकू देख रहे हो? इसे मर्डर कर दूंगी। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है क्योंकि आज मैं अवतार का सारा काम कराने वाला हूँ जिया से। पूरे किचन का काम उससे करवाऊंगा, भजिया बनवाऊंगा, चना बनवाऊंगा। प्लीज पूरी वीडियो देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी। सिर्फ उसका रिएक्शन देखना आज कितना खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज उसको बहुत काम करवाने वाला हूँ मैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या कर रही हो आज? ये इतना मोटा मोटा क्यों कट किया है? ऐसे कट करती तो ऐसे थोड़ी भजिया बनेगी। चलो कट कर लो फिलहाल। गाइज जब तक जिया कांदा वगैरह कट कर रही थी मैंने फटाफट नहा लिया है। अब जाके देखती कि वो क्या सब करके रखी क्योंकि टाइम भी हो रहा है अफ्तार के टाइम में। अभी 1 घंटा 10 मिनट बचा है क्योंकि आप देख सकते हो अभी 6 बजने को आया, मतलब 1 घंटा अराउंड बचा है अभी। तो जाके देखते वो क्या सब करके रखी और क्या सब बनाई है। चलो देखते हैं क्या सब बनाई हो। अभी कट ही कर रही हो क्या? क्या सब है? कांदा मिर्ची टमाटर सब कट कर दिया क्या? चलो फटाफट चना चढ़ाओ, दे तो बाबू टाइम नहीं है। गाइज हमारा चना चढ़ चुका है, बनने के लिए रेडी है। गाइज भजिया की तैयारी चालू हो रही है, अपना चना तो रेडी हो गया है। देखते हैं आज कैसा बनाती है। नमक बराबर डालना बस, ठीक है? गाइज अपना बेसन हो गया है रेडी। अच्छे से बनाना, आज तुम्हारा ट्रायल है। ओ माय गॉड क्या कलर आया भजिए का। केकड़ा बनाई हूं। केकड़ा भजिया, कांदा भजिया है ये। ये देखो गाइस कितना अच्छा बना है। कलर तो वैसे अच्छा आया, पता नहीं नमक बराबर आया कि नहीं, वो तो खाने के बाद पता चलेगा। गाइस इस बार ना मैं ट्राई कर रहा हूँ भजिया, देखते मेरे हाथ की भजिया कैसी बनती है। इतना सारा मैंने बनाई हूँ, अब ये बनाने जा रहे। तुमसे तो अच्छा ही बनेगा मेरा। हाँ हाँ देख लेते हैं, मुझसे अच्छा बनेगा। ये डाल दिया मैंने भजिया। ओ माय गॉड कलर देख रहे हो, एक नंबर आया। कलर आया तो है अच्छा। ये भजिया मेरे से अच्छा नहीं आया है, क्या बात? ठीक है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है? ये इनका है। टेस्ट देखना, टेस्ट तो कर नहीं सकते अभी, रोजा है। ये बहुत परेशान कर रहा है। तू क्या कर रहा है किचन में? हम लोग को काम तो करने दे। हो चुका है भाई अपना भजिया रेडी। ये निकल गया ये। गाइस किचन का काम तो जिया ने कर दिया है, अब थोड़ा सा मैं फ्रूट वगैरह काट लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास, नहीं तो टाइम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। डर भी लगता है क्योंकि हाथ वाथ कट गया ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। गाइज अपना फ्रूट वगैरह सब कट चुका है, बस लास्ट काम बाकी रहेगा अपना, ये रोजे का शरबत बस मैं बना दूं। उसके बाद अफ्तार का टाइम में भी सिर्फ 5 मिनट बचा है। कलर देख रहे हो कितना प्यारा आ रहा है इसका, टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। उतना अच्छा कलर उतना अच्छा टेस्ट। शरबत तो बन गया है बट एक कमी और रह गई है, शरबत में अगर ठंडापन ना हो तो मजा नहीं आता रमजान में। इसके लिए मैं ऊपर से डालने वाला हूँ एक्स्ट्रा बर्फ। थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसलिए 4 मिनट बचा है बस अफ्तार में। अफ्तार
इफ्तार का टाइम हो चुका है, बाहर अजान हो रही है, आप लोगों का टाइम हो गया तो आप लोग भी इफ्तार कर लो। अब ट्राई करते हैं जिया के हाथ की बनी हुई भजिया, देखते हैं उसका टेस्ट कैसा, क्योंकि अभी तक मैंने खाया नहीं है। देख रहे हो नमक तो बराबर है, अच्छा बना वैसे तुम्हारे हाथ का, कल से रोज बनाना। गाइज अपना इफ्तार हो चुका है, आपको पता है ना इफ्तार के बाद चाय वेरी कंपलसरी। जिया अभी अंदर गई है, उसको बोलता हूँ कि इतना कुछ बनाया है तुमने, चाय भी बना दो, देखते उसका रिएक्शन क्या होता है। ऐसा करो जिया, सब कुछ तो बना ही दिया तुमने भजिया, ऐसा करो चाय भी बना दो ना गरम खोलती हुई। अरे बना दो, मजा आ जाएगा। रमजान के टाइम में, रमजान के टाइम में काम करोगी ना तो सवाब भी मिलेगा। चलो फटाक से बना दो, मैं वेट कर रहा हूँ। ओ भाई चाय, जहर तो नहीं मिला है चाय में? सही में जहर मिला दिया क्या? लाओ। चाय तो अच्छी बनी है। गाइज आज का सारा काम मैंने इससे करवा दिया है। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके बताना मेरे को। करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।